सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेस में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने कल की जो वीडियो थी उस वीडियो में सेफ्टी आज की जो वीडियो उस वीडियो में सेफ्टीफिकेशन के बारे में ही है। कल अपना जो सुरक्षा सावधानियां जी अपने गांव में व्यवसाय में कहीं भी अगर अपने को आग लगी हुई है और उसको बुझाना है उसके बारे भी किस प्रकार की आग किस अग्निशमन केंद्र के द्वारा बुझाई जाती है वो भी क्या है सुरक्षा सावधानी है। तो अगर अपने को पता ही नहीं अपने पास सिलेंडर है अपने पास सब चीज है जो भी अपने को मटेरियल होना चाहिए वो मटेरियल अपने पास है लेकिन अपने को पता नहीं है यूजेबल कैसे करें ये अपने को उस चीज का पता ही नहीं कि अपने यूजेबल कैसे करें। तो आग बुझाने का अपने पास सिलेंडर था सीएनजी थी जिस प्रकार से भी जैसे भी अपने को आग बुझानी थी मिट्टी से भी आग बुझाते हैं अपने बाल्टियां पड़ी है मिट्टी वाली पड़ी है ना लेकिन आपको तो ये पता भी नहीं है कि वो क्यों रख रखी है। बाहर देखा होगा आपने के बाहर पड़ा है वो बाल्टियां पड़ी है मिट्टी की भरी हुई क्यों क्यों है वो किस लिए सेफ्टी के लिए। लेकिन आग लग जाए तो अचानक से अपन कोई चीज बाहर से लेके आएंगे इतने में तो क्या बड़ी दुर्घटना होती है। ठीक है अब अपने पास आज है सेफ्टी बेल्ट सुरक्षा है ये भी एक सुरक्षा है। ठीक है ऊंचाई के ऊपर अपन वर्क कर रहे हैं जैसे 11,000 की लाइन है 33,000 की लाइन है 1,32,000 की लाइन है ठीक है 24 KVA की लाइन है यानी जब अपनी सिरोपरी लाइन आती है सिरोपरी लाइन 11,000 से स्टार्ट होती है सिरोपरी लाइन 11,000 बोले से स्टार्ट होती है अपने घरों में गाँव में लाइन बोला जाता है वो मिनिमम 11,000 वोल्टेज होती है ना उसके बाद 33 एक तो 22 मीटर का खंभा आता है एक 33 मीटर का सॉरी एक तो 7 मीटर का खंभा आता है एक आता है 9 मीटर का खंभा 7 मीटर के खंभे पे 11,000 होती है 9 मीटर के खंभे पे 33,000 लाइन होती है उससे बड़ी लाइन जहां से प्रसारण होता है प्रसारण का मतलब जहां विद्युत बन रही है उत्पादन वहां से फिर आएगी प्रसारण फैलाया जाता है प्रसारण के बाद वितरित आगे वितरित किया जाता है। तीन भाग होते हैं विद्युत के उत्पादन प्रसारण और वितरण। उत्पादन में और प्रसारण में जहां पे अपने जो विद्युत होती है वो क्या होती है 1,32,000 के वी ए 240 KVA यानी 240,000 वोल्टेज 1,32 KVA 1,32,000 वोल्टेज वो लाइन क्या रखी जाती है जो टावर वाले खंभे आते हैं 100 फुट 110 फुट 120 फुट देखा होगा टावर वाले खंभे वहां पे वो लाइन क्या स्थापित की जाती है क्योंकि दो वायर के बीच में एक उचित दूरी देना भी क्या होता है निश्चित होता है। और इतनी बड़ी लाइन है इतने मान लो दूरी से आ रही है खंभों ये छोटे खंभे है इन खंभों पे क्या होता है नुकसानदायी हो सकता है अगर वायर कहीं से टूट जाए मजबूत वायर होते हैं वो ठीक है इसलिए टावर वाले खंभे वहां पर स्थापित करते हैं। वहां पे अपने को टावर स्थापित करना है या फिर वहां पे अपने को लाइन स्थापित करनी है एक से दूसरी लाइन स्थापित करते हैं तो लाइन के ऊपर चढ़ के या मतलब टावर के पास अगर अपने कनेक्शन करने हैं या कोई नट कसना है या कोई एंगल कसनी है या ऊपर इंसुलेटर लगे होते हैं उनको कसना है इंसुलेटर के अंदर अपने जो वायर होते हैं उन वायर को भी कसना हुआ होता है। ठीक है तो वहां पर वर्क कर रहे हैं अपने को पकड़ने के लिए या तो हाथ है अपने अगर हाथ से टावर को पकड़ेंगे तो वर्क कैसे करेंगे एक हाथ या दोनों हाथ अपने को यूजेबल करने होते हैं उस टाइम। ठीक है वहां पे ये सेफ्टी बेल्ट काम में लिया जाता है भी अगर अपना ध्यान इधर उधर हुआ या अपने एक हाथ से वर्क कर रहे हैं एक हाथ से क्या अपने पकड़ रखा है एक हाथ अपना छूट गया तो वहां पे ये सेफ्टी बेल्ट काम में लिया जाता है। अगर अपने दोनों हाथ या दोनों पैर निकल भी गए ना तो अपन क्या नीचे नहीं गिरेंगे ये अपने को लटका देगा ऊपर का ऊपर लटका देगा नीचे नहीं गिरने देगा वहां पे क्या कौन सी सुरक्षा काम आती है सेफ्टी बेल्ट सुरक्षा काम में आती है। अब अपने को इसको पहनने का पता होना चाहिए अपने सेफ्टी बेल्ट पहन लिया अब अपनी तरफ से क्या 100% है भी हमने सेफ्टी बेल्ट पहन रखा है लेकिन अपने को पता ही नहीं पहनने कैसा जाता है वर्क कर रहे हैं टावर के ऊपर हाथ छूट गए सेफ्टी बेल्ट सही नहीं पहना हुआ सेफ्टी बेल्ट ऊपर अपन नीचे दुर्घटना हो सकती है ना
इसलिए इसको क्या सेफ्टी बेल्ट बोला, सेफ्टी यानी सुरक्षा बेल्ट, यानी अपने शरीर के इस प्रकार से इसको बांधे ताकि अपन क्या इसकी ये अपनी सुरक्षा कर सके। ठीक है, तो इसको कैसे पहना जाता है, कोई भी एक लड़का आ गया हो आपको बताएंगे भी इसको कैसे पहना जाता है, इसका यूजेबल कैसे होता है, कोई भी एक लड़का आगे आ जाओ, आ जाओ कोई भी एक आपको पहना। ठीक है, ये देखो ये इस प्रकार पकड़ोगे आप, पकड़ना एक बार इसको। ठीक है, ये जो अपना हुक होता है ना, ये हुक है, अगर अपने इस हुक को जैसे आगे पहन ले भी इधर आ भी इधर आ, तो ये हुक है, इस हुक को अपने पकड़ यहाँ लगा आगे पहन लिया, इस प्रकार पहन लिया, ये ऊपर लटका रहता है तो ये अपने को वर्क नहीं करने देता, नहीं करने देता ना, आगे पीछे हिलता रहेगा डुलता रहेगा क्योंकि ये ढीला होता है, टाइट होता नहीं है, अपने को वर्क नहीं करना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये जो अपने जो रस्सी होती है पकड़ने के लिए जकड़ने के लिए, ये रस्सी क्या रहती है हमेशा पीछे रहती है। ठीक है, ये रस्सी क्या रहती है पीछे रहती है, यहाँ पे अपने दोनों हाथ आ जाएंगे, यहाँ पे अपने दोनों पाँव डाल लिए जाएंगे, अब पीछे हाथ ऐसे मुंह करते हैं, अब पैन इसको इस पे एक वहाँ पाँव डाल ले, अच्छा बस एक पाँव इसमें डाल लिया हो गया, अब धीरे धीरे ऊपर ले आ। ठीक है, ये इसको टाइट है ना, ढीला कर ले उसको, इसको भी करना पड़ेगा, करना ये साइड करना, ये देखो ठीक है, इसको और भी आ जाएगा क्या, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, हाँ ये देखो ये साइड आ गई। ठीक है, ठीक है सही हो गया ना, आ गया ना सही से। अब ये देखो ये भी अपने सही नहीं, यूजेबल नहीं है, देखो ये हाथ निकल गया। ठीक है, इसकी यहां से ये अपने को ऐसा लग रहा है ये लूज है, तो इसको थोड़ा टाइट करो ना, ये देखो अब ये देखो सही है एकदम बिल्कुल ओके है। ठीक है, अपना ओके है, अब ये ना तो अपने को ऐसा लग रहा महसूस हो रहा अभी अपन वर्क करें टाइट है, अभी अपन जकड़े हुए हैं महसूस नहीं हो रहा ना, और ना ही ये ढीला है, ये अपने क्या बिल्कुल, अगर अपन ऊंचाई पे काम करें ना तो बिल्कुल सुरक्षा करेगा, ये इसका मेन कवच वो सही काम क्या होता है इसका होता है, इसको अपन वहाँ लटका देंगे जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, वायर में कर रहे हैं एंगल में कर रहे हैं, वहाँ पे इसको इस प्रकार से हुक में लटका देंगे। ठीक है, अपन वर्क कर रहे हैं, अगर अपने हाथ पांव निकल गए, अगर अपन नीचे गिरे तो ये अपने को नीचे रस्सी है ना, ये जो हुक है ये अपने को नीचे नहीं गिरने देगा, ये अपने को इस प्रकार से लटका देगा। ठीक है, अपनी क्या करेगा ये सुरक्षा करेगा, अगर ऊंचाई पर काम कर रहे हैं ना तो सेफ्टी बेल्ट पहन के ही अपने को क्या काम करना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट के बगैर अपन काम करेंगे ना, अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसमें अपने को शारीरिक रूप से हानि हो सकती है या क्षति हो सकती है। ठीक है, तो सेफ्टी बेल्ट किस प्रकार से यूज किया जाता है पता चल गया ना, कि किस प्रकार से पहना जाता है और इसका उपयोग कहां पे होता है, यानी सबसे पहले अपने को इसी बात का ध्यान होना चाहिए कि अपन कोई उद्योग है या कोई लाइन है या फिर कहीं पढ़ रहे हैं आईटीआई में है, सुरक्षा ही सावधानी होती है, सबसे अपने सुरक्षा नहीं है ना अपने पास तो अपन सावधानी से, अगर वर्क भी कर रहे हैं तो अपना ज्यादातर ध्यान क्या रहेगा वहां रहेगा, टावर पे काम कर रहे हैं अपने पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो अपना 60% माइंड क्या रहेगा भी कहीं गिर ना जाए, हाथ ना छूट जाए, पांव ना छूट जाए, यानी माइंडली टॉर्चर होते रहेंगे, माइंडली टॉर्चर हो गए वर्क नहीं हो पाएगा, एक हाथ से पकड़ रखना पड़ेगा, एक हाथ में वर्क कितना कर लेंगे, अगर अपने पास सेफ्टी बेल्ट है
अपने को पता है भी ये अपनी सुरक्षा युक्ति है। अगर अपने हाथ पांव अगर निकल भी गए ना, काम कर रहे हैं छूट भी गए, तो अपन क्या इसके सहारे क्या है लटक सकते हैं, इसके सहारे अपने सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, पता चल गया सेफ्टी बेल्ट कैसे पहना जाता है। अगर सभी को पहन के देखना है तो देख सकते हो कि सर हमें पहन के देखना है कि इस प्रकार से देखना है, तो आप देख सकते हो। ठीक है।